मैं पहले खेती बाड़ी करता था, तो मेरे पास कुछ हुनर नहीं था। तो मैंने सोचा कि मेरे पास कुछ हुनर होगा तो मैं अपने आप का कुछ बिजनेस चालू कर पाऊंगा, इसलिए मैंने सोचा। आप कार मैकेनिक करना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, कीजिए। आप ECM रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं, सीखिए। और जिनको कुछ नहीं सीखना, वीडियो देखते रहिए लाइफ टाइम। दिल्ली से आए हैं सुनील नाम है, 8 दिन हुआ, 38 साल उम्र है। ऐसे लोगों के लिए मैसेज जो ये सोचते हैं कि हमारी तो उम्र हो गई, हम लोग क्या सीखेंगे, कैसे करेंगे। मुझे भेड़ बकरी की तरह ट्रेनिंग नहीं देनी है। मैं बिहार से हूँ, मेरा नाम हसन है। मैं ECM की ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। 40 स्टूडेंट कहाँ पर है, सिर्फ मॉर्निंग में, और बाकी इवनिंग वाले स्टूडेंट है वो अलग है। अब बाकी स्टूडेंट से मिलाता हूँ जिनका ऑलरेडी रनिंग पे चल रहा है। इतना दूर आने का रीजन सर, ये इधर मैं YouTube में देखा था। हाँ, जैसे आप पूरा अच्छे से इंजन खुल के अच्छे से इधर पहले जैसे बेसिक में ही पूरा इंजन अच्छे से सिखाते हैं, वो मेरे को अच्छा लगा। 2 से 3 महीने बस बाबू थोड़ा सा दीजिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ। और इसमें कुछ ऐसा लगता है कि इसमें एज ज़्यादा हो तो सीख नहीं पाओगे इन चीज़ों को, ऐसा कुछ चीज़ है क्या इसमें? नहीं सर, ऐसा नहीं है, कोई भी सीख सकता है। तो हमें सब लोग ऐसे बता रहे हैं कि हम बढ़िया से सीख सकते हैं। जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, आज मेरा पहला दिन है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा जो 10वीं पास है, 12वीं पास है, अगर उससे भी कम पढ़े लिखे हैं जैसे 8वीं पास है, वो भी आ सकते हैं। इंडिया के अंदर ऐसा बाबा ऑटोमोबाइल इधर भी नहीं है। ये मैंने आपको बोला क्या ऐसे बोलने के लिए? 30 बच्चे आए हैं मई में, अभी तो मई बाकी है, अभी तो पिक्चर स्टार्ट हुई है मई की, अभी 30 बच्चे और आने वाले हैं मई में, 30 स्टूडेंट। जो इस गेट से अंदर आता ना, ये गेट, जिसने ये गेट पार कर लिया ना, जो मेरे पास आ गया उसकी लाइफ बन जाएगी, ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ। ये बाबू ऑटोमोबाइल नहीं है, ये आपकी लाइफ परिवर्तन करने का गेट है। ये तो आप देख लो, क्या उम्र है आपकी? मेरी 44 है। 44, ये 38 साल है, ये 44 है। ये ऐसे लोगों के लिए एग्जाम्पल है जो चाहते हैं मैं दुबई जगह में तो लाइफ सेट हो गई। ये कतर की जॉब को 10 साल कतर में रहे हैं और 10 साल के बाद ये जॉब को छोड़ के यहाँ पर आए हैं। सर हम पहले दुकान पे रहते थे। सर उसमें मन नहीं लगा, मन इसलिए नहीं लगा कि सर हमारे पास कुछ हुनर नहीं था। तो सर दुकान का वैल्यू था कि कब तक चलेगा या नहीं चलेगा, तो सर हम सोचे कुछ सीख लिया जाए। इससे पहले हम ड्राइविंग कर रहा हूँ, 7 साल कर दिया। 7 साल ड्राइविंग किया था, एक इनके पास JCB क्रेन था, JCB और एक कार था, 7 साल। मेरा नाम सरवीर सिंह है और मैं अमृतसर पंजाब से हूँ। पहले सर मैंने 2 साल वर्कशॉप में काम करता था। कितने साल? 2 साल। 2 साल, 2 साल पहले काम करता था वर्कशॉप पे। जिससे मिलोगे, मैं यहाँ से आया हूँ मुझे ये करना है, मैं यहाँ से आया हूँ मुझे ये करना है, तो एक इकोसिस्टम मिलना बहुत ज़रूरी होता है आप लोगों को। पूरे सेंसर जो है वो सेंसर के बारे में पढ़ाया है, सस्पेंशन हो चुका है, इसका ब्रेक हो चुका है अभी। हेलो, क्या हाल चाल है सभी के? वापस से आपका स्वागत है हमारे नए YouTube वीडियो में। आज की डेट है 8 मई, नया बैच हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं। नया बैच हमारा हर वीक स्टार्ट रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है कि नया बैच स्टार्ट होता कब है। हर वीक होता है, क्योंकि हमारा बैच साइज रहता है 5 लोगों का, चाहे बाइक मैकेनिक के लिए आए, कार मैकेनिक के लिए आए, ECM रिपेयरिंग के लिए आए, या फिर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और आपको इंटर्नशिप करनी है तो भी। मैं निमेश बाबा, नए जो सब्सक्राइबर उनको बता दें हम लोग जयपुर हेड ऑफिस से हैं, 7 ब्रांच है हमारे पैन इंडिया, बाकी जो हमारी ब्रांच है मुंबई, बेंगलोर, भोपाल, पुणे, ये सब ओनली फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। आप बाइक मैकेनिक करना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, कीजिए। आप कार मैकेनिक करना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, कीजिए। आप ECM रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं, सीखिए। और जिनको कुछ नहीं सीखना, वीडियो देखते रहिए लाइफ टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको अच्छा लगे वो आइए, जिसको अच्छा ना लगे वो नहीं आइए। आज की वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं कि बैचेस जो हमारे चल रहे हैं हाउस फुल हो चुका है, वेटिंग इतना है कि जून के बैचेस को वेटिंग हम लोगों को करना पड़ रहा है। एक तो होता है कि अभी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और हम लोगों को वेटिंग देना पड़ता है, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। नए जो बैच, जो ओल्ड बैचेस चल रहे हैं वो हम लोग आपको दिखाने वाले हैं। एक बैच हमारा स्विफ्ट डिजायर 5-6 लोगों का लगा हुआ है, एक बैच हमारा हुंडई एसेंट पे लगा हुआ है, एक बैच हमारा मारुति स्विफ्ट की वायरिंग पे लगा हुआ है, 3 बैच हमारे चल रहे हैं
वर्किंग कार पे मैकेनिक के लिए, 3 बैच चल रहे हमारे वर्किंग बाइक पे मैकेनिक के लिए, 3 बैच हमारे नए आए हैं, लगभग 20 स्टूडेंट नए आए हैं, 20 स्टूडेंट नए, वो कहां कहां से आए हैं, एक हमारे रंजीत आए हैं ये यूपी से हैं, एक हमारे सबरलीन आए हैं वो पंजाब से हैं, मोहम्मद साकिब आए हैं ये हमारे राजस्थान सीकर से हैं, एक गजानन आए हैं ये हमारे महाराष्ट्र से हैं, चंदन जी आए हैं ये हमारे कोलकाता से हैं, दीपक पटेल जी हमारे गुजरात से आए हैं, 45 साल के आदमी, 45 साल का बंदा ट्रेनिंग करने आया है जयपुर, 45 ईयर, उन लोगों के लिए एग्जांपल है जो कंफर्ट जोन में है, जॉब कर रहा है, मस्ती की लाइफ जी रहा है और सोचता है मैं ये करूंगा वो करूंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप वीडियो देखिए अच्छा है, कोई बात नहीं है, जो जिन लोगों को सीखना है ना मेरे भाइयों, टाइम वापस नहीं आने वाला आपके पास, मैं ये नहीं कर रहा मेरे पास आके ज्वाइन करो, आप कहीं भी ज्वाइन करो, लेकिन कुछ अपना स्टार्टअप करो, आगे प्रॉब्लम बहुत आती है, कुछ अगर आपको लाइफ अच्छी देनी है, अपनी फैमिली को, किसी को कुछ अच्छा सोचना है, तो सब चीज भूल जाइए, मेरी उम्र क्या है, मैं किस जगह से हूँ, मैं कहां से आया हूँ, 2-3 महीने बस बाबा ऑटोमोबाइल को दीजिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ये मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ। बाकी जो हमारे स्टूडेंट आए हैं वो हमारे अभिषेक है जो हैदराबाद से आए हैं, और ऐसे कहा बहुत सारे स्टूडेंट है, मैं मिलवाता हूँ सब लोगों से आपको, ऐसे जो ईसीएम रिपेयरिंग के लिए 4 स्टूडेंट आए हैं, सद्दाम है, हसन है, जवाद है, समर है, ये हमारे ईसीएम रिपेयरिंग के लिए आए हुए हैं, आपको सब लोगों से मिलवाता हूँ एक एक करके। बैच हमारा 1 तारीख से स्टार्ट हो गया, नया बैच हमारा 10 मई से भी स्टार्ट है, फिर 15 मई से स्टार्ट है, फिर 20 मई, हर 5 दिन में हमारा बैच स्टार्ट होता रहता है। बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि सर हमारा कॉल नहीं उठाते, ये नहीं उठाते, कि मेरा मेन मोटो यह कि हर जो भी स्टूडेंट आना चाहता है मैं उससे खुद बात करूं, मैं चाहूं तो यहाँ पर एक मैडम बिठा सकता हूँ, एक बंदा बिठा सकता हूँ कॉल सेंटर, अभी तो फोन अटेंड कर बताता जा, नहीं, मुझे भीड़ बकरी की तरह ट्रेनिंग नहीं देनी, एक अच्छा सेंटर बनाना है, एक अच्छा विश्वास के साथ आप आए, तो उसके क्या जरूरी है कि जो वीडियो मैं बनाता हूं आप एक बार मुझसे बात करें, तो कभी कभी कॉल इतना हो जाता है 100-200 कॉल हो जाते हैं, मैं नहीं रिसीव करवाता, लेकिन आप कल कॉल कीजिए, परसों कॉल कर दीजिए, व्हाट्सएप पर रिप्लाई, तो एक दिन वेट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे देता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर बंदे को मैं कॉल करके सारी चीज बता दूं, आप सेटिस्फाई हो तभी आप आओ, आपका पैसा वेस्ट हो, आपका आने जाने का वेस्ट हो, आप परेशान हो जाओ, उससे बेस्ट है कि सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं, इसलिए मैं सब लोगों से मैं खुद ही बात करता हूं, ठीक है। चलिए अब मैं मिलवाता हूं आपको हमारे नए स्टूडेंट से, कौन कहां से आया है, आइए पहले हम लोग लेके चलते हैं आपको ईसीएम प्रिपेयरिंग क्लास में, जो हमारी सामने चल रही है, आइए। जो हम लोग जो वीडियो जो बनाते हैं ना, जो बाकी स्टूडेंट देख के आते हैं, ये भी आप, ये लोग भी आए हैं, ये भी किसी और स्टूडेंट का वीडियो देख के आए थे, तो 4 स्टूडेंट हैं ये सब आए हुए हैं, किस सिटी से आए हैं, कहाँ से आए हैं वो आपको बता दो, क्योंकि आप लोग भी आए होंगे, क्या पता आप इनके नियर बाय होम से हो, नियर टाउन से हो, जो भी हम लोग वीडियो बनाते हैं यहाँ पर कोई स्पेशल टीम नहीं है हमारी, कोई स्पेशल कोई टीम ले रखा है, कैमरा मैन हायर कर रखा है, जो यहाँ पर चलता है वही हम लोग ट्रांसपेरेंसी आपको दिखा देते हैं। तो जो नए स्टूडेंट आए उनसे मिलवाना चाह रहा हूँ, कहाँ से हैं आप, आपका नाम बताइए, आप कहाँ से हैं और क्या सीखने आए हैं, और इससे पहले कहाँ पर काम करते थे, क्या ये मोटिव उनके लिए, जो आप जैसे भाई आप जैसे दोस्त हैं उनके लिए, कि उनको कुछ समझ में आए, बताइए। मेरा नाम अब्दुल समद है, मैं लखनऊ से आया हूँ, तो मुझे ईसीएम का काम सीखना, थोड़ा तेज बोलिए। मेरा नाम अब्दुल समद है, मैं लखनऊ से आया हूँ, मुझे ईसीएम का काम सीखना। इससे पहले क्या करते थे समद? स्टूडेंट थे। स्टूडेंट थे, क्या किया हुआ है आपने? 12th किया हुआ, ठीक है। आप हसन कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ, मेरा नाम हसन है। मैं ECM की ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। और 12th क्वालिफिकेशन है। अच्छा, आप बताइए, बोलोगे? मैं बिहार से हूँ, पटना, यहाँ पे ECM ट्रेनिंग के लिए आया हूँ, और ट्रेनिंग चल रहा है अभी, ठीक है। आप कहाँ से हैं? मेरा नाम मोहम्मद जवाद है, मैं लखनऊ से हूँ, मैं भी ECM ट्रेनिंग के लिए आया हूँ, इससे पहले भी थोड़ा बहुत मैंने गाड़ियों पे ECM का और प्रोग्रामिंग का किया हुआ है, लेकिन अभी रिपेयरिंग का थोड़ा सीखने आया हूँ, ठीक, और इंजन से। तो ये जो हम लोग जो यहाँ पर ट्रेनिंग करवाते हैं, हम लोग ने फीस लगभग आधी की हुई है, 30,000। मेरा मानना यह है कि ये सिर्फ एक IC डायोड ट्रांजिस्टर या कोई मोबाइल रिपेयरिंग TV रिपेयरिंग वाला मिस्त्री बना वो भी इस चीज़ को समझा सकता है, तो इस चीज से क्यों स्टूडेंट को लूटा जाए? 50-50, 60-60 हज़ार रुपये फीस लेते हैं, वायरिंग का 50,000 अलग से, 1-1 लाख रुपए का कोर्स करवाते हैं, तो 1 लाख रुपए कोर्स करवाने के लिए है क्या है? और बहुत सारे स्टूडेंट ये है कि उनके पास सिर्फ यही सेटअप है,
क्लासरूम है, एसी लग रहा है, सब चीज है, लेकिन ना तो गाड़ियां है वर्किंग करने को, ना और कुछ है, तो कैसे वो उनका हाथ क्लियर होगा? जब तक वो यहाँ पर तो कर रहे हैं, वर्किंग गाड़ी में से ईसीएम ना निकाले, वर्किंग गाड़ी पे काम लग रहे, जब तक क्या समझ में आएगा इसमें? तो हम लोग चाहते हैं कि कम से कम फीस में इसको करवाया जाए 30,000 में। बाकी बहुत सारे इंडिया में है, कुछ अच्छे भी है, कुछ खराब भी है, मैं किसी के लिए बोलता नहीं कौन खराब है कौन अच्छा है। व्यूअर्स जो है आप खुद सोचिए कि ये इसमें कोई भूत या जादू मंत्र नहीं होता कि इसके लिए 60,000 या 1,00,000 रुपए दिए जाए। बाकी आपकी चॉइस है। बाकी हमारे 5 लोग कार मैकेनिक आए हैं, 5 लोग बाइक मैकेनिक, उनसे भी आपको मिलवाते हैं ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, थैंक यू। यहाँ पर हमारा जो ओल्ड बैच है वो ऑलरेडी लगा हुआ है, सामने भी लगा हुआ है, दिखाता हूँ। पहले आपको नए लोगों से मिलवाता हूँ, नए स्टूडेंट कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं। आप इन दोनों लोगों से आप मिले हुए हैं, ये कहाँ से आए थे, क्या कर रहे थे? इनका हम लोगों ने इंट्रोडक्शन अभी नहीं बनाया है, या हो गया आपका? कहाँ से आए थे आप? सर त्रिपुरा से आए हो। कहाँ से? नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा। त्रिपुरा मतलब बांग्लादेश बॉर्डर। कितना दूर आने का रीजन? सर ये इधर मैं यूट्यूब में देखा था, तो जैसे आप पूरा अच्छे से इंजन खुल के अच्छे से इधर पहले जैसे बेसिक में पूरा इंजन अच्छे से सिखाते हैं, वो मेरे को अच्छा लगा था। तो एक बात बताइए, जैसा कि आपने YouTube पे देखा सब कुछ वैसा था या YouTube पे कुछ और है, यहाँ कुछ और है? नहीं सर, पूरा सेम टू सेम। आके तो और भी अच्छा लगा सर। आप त्रिपुरा से आए हुए हैं, कितने दिन हो गए आपको आए हुए? अभी सर 10 दिन हो गए। न्यू मई का ही बैच है इनका, अभी आए हैं कुछ टाइम पहले। ये हमारे महाराष्ट्र से थे। ये पिछले महीने आए थे। आप कहाँ से थे? आप बिहार से थे। ये भी पहले आपने वीडियो में देख लिया होगा, ये एक बैच में नए आए हैं और ये 5-6 लोग नए, इनसे भी आपको मिलवाओगे। सुनील जी कहाँ से आए हैं आप? सर मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हैं, क्या एज है आपकी? 38 है। ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहेंगे जो सोचते मेरी तो उम्र निकल गई, मैं तो 35 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में, मेरे तो बीवी बच्चे हो गए, मैं तो जॉब ही करूंगा, ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर यहाँ पे आना चाहिए सबको, काम सही ढंग से सिखाया जा रहा है, सबको आके सीखना चाहिए, अपना खुद का काम करना चाहिए। और इसमें कुछ ऐसा लगता है कि इसमें एज ज्यादा हो तो सीख नहीं पाओगे इन चीजों को, ऐसा कुछ चीज है क्या इसमें? नहीं सर ऐसा नहीं है, कोई भी सीख सकता है, क्योंकि सर लोग ऐसे बता रहे हैं कि हम बढ़िया से सीख सकते हैं। ठीक है, तो आप दिल्ली से थे, कितने दिन हुआ आपको आए हुए? सर आज 1 दिन। 8 दिन दिल्ली से आए हैं, सुनील नाम है, 8 दिन हुआ है, 38 साल उम्र है। ऐसे लोगों के लिए मैसेज जो ये सोचते हैं कि हमारी तो उम्र हो गई, हम लोग क्या सीखेंगे कैसे करेंगे? आप कहाँ से थे? सर हम नेपाल से। आप नेपाल से हैं, कैसे पता लगा बाबा होटल के बारे में आपको? वैसा ही यूट्यूब चला रहा था, उसमें देखा बाबा होटल मोबाइल। तो ऐसे तो सेंटर आपके नेपाल में बहुत होंगे, यहाँ पर आने का रीज़न? नेपाल में नहीं देखा। इंडिया में और भी इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर नहीं जाने का रीज़न? दूसरा भी नहीं देखा, बस सब में यही देखा था जब सिखा रहा है। अच्छा, इंडिया का अंदर ऐसा कोई भी नहीं है। थोड़ा तेज बोलिए। इंडिया का अंदर ऐसा बाबा ऑटो मोबाइल इधर भी नहीं है। ये मैंने आपको बोला क्या ऐसा बोलने के लिए? नहीं, मैंने बोला कि आपको ऐसा बोलिए। खुद की रिसर्च है। नहीं, खुद की मैं देखा ऐसा इसलिए। आप कितने साल आपने जॉब किया इससे पहले? हम कतर में रहे। कितने साल जॉब किया रहे हो? 10 साल। कतर, आउट ऑफ इंडिया? कतर। यहाँ क्या करने आए इंडिया के अंदर दोबारा से आप? क्या रीजन था? ये ऐसे लोगों के लिए एग्जांपल है जो चाहते हैं मैं दुबई जगह में तो लाइफ सेट हो गई। ये कतर की जॉब को 10 साल कतर में रहे हैं और 10 साल के बाद ये उस जॉब को छोड़ के यहाँ पर आए हैं कि पैसा चाहे कितना भी है फैमिली से बढ़ के कुछ नहीं है, हम लोग सीखेंगे, किसी का गुलाम नहीं बनेंगे, अपना खुद का कुछ करेंगे। ऐसे लोगों को सल्यूट मारने का मन कर 10 साल मैं भी अगर आउट ऑफ इंडिया रहता शायद मैं भी नहीं आ पाता, क्योंकि दुबई कतर ये सब लाइफ ऐसी है, बस एक बार पहुंच जाए आउट ऑफ इंडिया, बहुत पैसा हमारे पास। लेकिन आप जैसे लोग जो सोचते हो ना कि नहीं हमें जॉब नहीं करनी है, खुद का ही करना है, ऐसे लोग से इंस्पिरेशन मेरे को मिलती है और बाकी लोग जो आपको देखते हैं इनको भी एक साहस आता है कि जॉब नहीं करनी भाई, यहाँ से जाने के बाद खुद का ही करेंगे। चलिए थैंक यू। कहाँ से आए हैं आप? मैं वलसाड, गुजरात। गुजरात से आए हैं, कमिंग फ्रॉम गुजरात। क्या उम्र है आपकी? मेरी 44 है। 44, ये 38 साल है।
ये 44 है और जो एक वहां पर जो प्रवीण जी है वो 55 साल के और जो कनाडा से आया है वो भी 50 साल का। चार लोग ऐसे जो लगभग 40 साल के ऊपर के, और उन लोगों के लिए एग्जांपल कि हम लोग तो उम्र हो गई, मेरे बीवी बच्चे हो गए, मैं क्या करूंगा, सीख के खोल पाऊंगा नहीं खोल पाऊंगा। क्या करते थे इससे पहले आप और यहाँ पर आने का कैसे सोचा आपने? मैं पहले खेती बाड़ी कर रहा था तो मेरे पास कुछ हुनर नहीं था, तो मैंने सोचा कि मेरे पास कुछ हुनर होगा तो मैं अपने आप का कुछ बिजनेस चालू कर पाऊंगा, इसलिए मैंने सोचा। तो रिसर्च करके पता चला कि बाबा ऑटोमोबाइल जो जयपुर में हेड ऑफिस में है वो नॉन टेक्निकल वालों को सिखाएगा, जैसे 10वीं पास है 12वीं पास है उन लोगों को भी सिखा सकता है। तो मैंने ये सोच के आया, मैं जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, आज मेरा पहला दिन है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा जो 10वीं पास है 12वीं पास है अगर उससे भी कम पढ़े लिखे हैं जैसे 8वीं पास है वो भी आ सकते हैं। आपका नाम? सर दिलीप मौर्य। विनीत मौर्य है? दिलीप सर, दिलीप। दिलीप, दिलीप मौर्य जी। यूपी में किस जगह से हैं आप? सर जौनपुर से। जौनपुर जिले से हैं जी सर। क्या सोच के आप हमारे पास आए हो? सर हम पहले दुकान पे रहते थे सर, उसमें मन इसलिए नहीं लगा कि सर हमारे पास कुछ हुनर नहीं था, तो सर दुकान का वैल्यू था कि कब तक चलेगा या नहीं चलेगा, तो सर हम सोचे कुछ सीख लिया जाए, सीखने के बाद सर खुद का शॉप खोलेंगे। दुकान पे कितने टाइम काम किया था? ढाई साल जी सर। ढाई साल दुकान पर काम किया, कुछ नहीं सीखे जी सर? नहीं। और हम लोग 2 महीने में आपको ऐसा कर देंगे, कोई 2 साल में आपको नहीं करा सकता जी सर, ये हमारी गारंटी जी सर। जो लोग 2.5 साल से, भाई साहब 10 साल से कर रहे थे, 10-20 साल दे रहे थे, 2.5 साल दे रहे हैं, 2.5 साल बाद उस काम को छोड़ के यहाँ पर आए हैं जी सर। बहुत सारे लोग तो फ्रेशर हैं चलो, लेकिन 2.5 साल काम करके छोड़ के हम पे फेथ किया है, अब हम लोग इनके संग ऐसे गलत करें तो भी कैसे करें? जो इनकी भावना है, पैसा तो चलो आता जाता रहता है, लेकिन इनकी भावना से कैसे खेले हम? इसलिए बेसिक सिखाने के लिए पहले 10 से 12 टाइप के इंजन रखे हुए हैं कि आप 10 से 12 टाइप के इंजन करो फिर वर्किंग पे आओ। लगभग 20 प्रकार के मोटरसाइकिल इंजन, BS6, ई व्हीकल पे जब तक ये नहीं करेंगे ना, जब तक ये नहीं सीखेंगे, और स्पेशल कस्टमर की गाड़ी पे नहीं सीख सकता। कस्टमर की गाड़ी पे आपको डर डर के खोलना पड़ेगा कि टूट गया तो क्या होगा, यहाँ पर ये टूटा तो हम लोग आपको नया ला के देंगे, हमारी हेडक है। लेकिन कस्टमर की गाड़ी के संग आप नहीं सीख सकते, आप आज मत समझ लीजिए कल समझ लीजिए, समझना आपको पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। आप कहाँ से थे? आंध्र प्रदेश से। ये हमारे आंध्र प्रदेश से आए, लगभग यहाँ से कितना 1000 किलोमीटर होगा? 2000 किलोमीटर। 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर आने के लिए शायद मैं भी जाऊँ ना तो मैं भी, मुझे डर लगेगा कि नई जगह पे हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर कैसे लोग होंगे, कैसी जगह होगी, पैसा ले लेंगे फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा? तो आप लोग आते हो ना तो हमें और कॉन्फिडेंस आता है कि शायद हम अच्छा कर रहे हैं और इसको और अच्छा कैसे किया जाए। सिर्फ आपको और आपकी हंसी रहती है ना, उससे सब कुछ पता लग जाता है, हंसी से ये कोई डर डर के बोल रहा है या फिर हंस के खुल के बोल रहा है, ये आप लोग के एक्सप्रेशन पता लगता है लोगों। इससे पहले क्या करते थे वो खुद बताइए, आपने मेरे को बताया था सारी चीज। इससे पहले हम ड्राइविंग कर रहा हूँ, ड्राइविंग कर रहा हूँ 7 साल कर दिया। 7 साल ड्राइविंग किया था, एक इनके पास JCB क्रेन था, JCB, और एक कार था। 7 साल से JCB चलाते थे और कार चलाते थे, लेकिन वो काम ऐसा है कि कितना भी काम कर लो आप रहोगे आप नौकरी लेने वाले, अपना खुद का करना है, कोई हमारे पास सेठ नहीं है, कोई हमारे पास लाइबिलिटी नहीं है। मैं मानता हूँ परेशानी आएंगी, वर्कशॉप खोलोगे स्टार्टअप करोगे ऐसा नहीं पहले दिन से आपका जिम में पैसा रख दिया किसी ने कि माला माल हो गए। हम लोगों ने भी स्टार्ट किया था जब ये मट्टी हुआ करते थे यहाँ पर, 2015 का वीडियो देखो, 2015 का पहला वीडियो देखा, 2015 वाला फर्स्ट वीडियो, मट्टी थी यहाँ पर। लेकिन करना है, ये आपके अंदर होना चाहिए, करना है। हम लोग आपको भगवान नहीं बना सकते, ना आपको बोल सकते आप तो ऐसे हो गए किसी को चले जाओ, आपको ही अपना इनपुट देना पड़ेगा, आपको पीड़ा लेनी पड़ेगी, सीखने के बाद भी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा कुछ खोलने के लिए। तो यहाँ से जाने के बाद सूर्य, क्या आपका प्लान है और क्या करना चाहोगे आप, और अपने ऐसे साउथ के लोगों को क्या बोलना चाहोगे जो आना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि इतना दूर है नॉर्थ कैसे आए, उन लोगों के लिए क्या बोलना? नहीं, डरने के लिए नहीं, हम भी ज्यादा डर गए पहले आने के लिए,
कम से कम 6 महीने से सर से बात कर रहा हूँ, आने के लिए डेली बात कर रहा हूँ, 10 दिन के बाद में आएंगे, 15 दिन के बाद में आएंगे ऐसे बोल रहा हूँ, डर लग के चुपचाप में ऐसा घर में ऐसा रो रहा हूँ। इसके लिए अभी घर में भी हमारे घर में भी मना कर रहे, मना करेगा तो कोई तुम मना करेगा तो मना करता हूँ तो जाएगा ऐसा बोल के सीधा आ गए, देखेंगे कैसा भी होने देखे देखेंगे ऐसे सोच के आ गए। अब डर निकल गया, डर तो डर निकल गया से देखने के लिए बाद में डर निकल गया। लोकल लैंग्वेज में लोकल बंदों को क्या बोलना चाहेंगे इन योर लैंग्वेज? हमारा लैंग्वेज में लोकल लैंग्वेज योर मदर लैंग्वेज? हमारा मदर लैंग्वेज ఇక్కడికి ఎవరు వచ్చినా సరే భయపడవలసిన అవసరమే లేదు, ప్రశాంతంగా ఉంటుంది, పని మటుకు మంచిగా జరుగుతుంది, వచ్చినందుకు సాటిస్ఫాక్షన్ కలుగుతుంది, ఎవరికైనా సరే డబ్బులు పోయినా పర్లేదు, సార్ వాళ్ళు మంచిగా చూస్తారు। जो आपके गुजरात के मोटा भाई जितने भी हैं उनको क्या बोलना चाहोगे? मैं आओ कहवा मांगू कि जे आठवीं पास दसवीं पास के बारहवीं पास जे भी भणेलो होय ने जेने शीखवानी तमन्ना होय तो अहीं बाबा ऑटोमोबाइल में आवीने एक बार शीखवानी जरूर छे अने तमारे जाते पोतानो धंधो शुरू करी शके एना माटे अहीं आवू जरूरी छे। आप अपनी नेपाली भाषा में नेपाली लोगों क्या बोलना चाहेंगे लोकल नेपाल की लैंग्वेज में? सर हम ये बोलना चाहे कोई कोई व्यक्ति यो छ भने सिक्ना छ भने बाइक मेकानिक स्किल यहाँ बाबा ऑटोमोबाइल में आएर सिक्दा हुन्छ। ठीक है, थैंक यू। आगे जी आपके पास सबरलीन है, सरबलीन सरबलीन पाजी आए हैं हमारे पास, इनको जाना था कनाडा। मैंने उनको बताया भाई कनाडा वाले यहाँ पर आए हैं, इनको बताया मैंने, इनके पापा जी से बात हुई, अभी दिखाऊंगा कनाडा वाला बंदा यहाँ पर आया, आप कनाडा क्यों जा रहे हो? तो इनको मैंने गाइड किया कि इंडिया में इतना पैसा है कनाडा भूल जाओगे आप। तो सबरलीन आपका थोड़ा सा बताइए, पहले क्या करते थे, यहाँ पर आने का कैसे आपने डिसाइड किया, कौन सा आपकी ट्रेनिंग है और फ्यूचर में क्या प्लानिंग है आपकी बताइए। आप मेरा नाम सरवीन सिंह है और मैं अमृतसर पंजाब से हूँ। पहले सर मैंने 2 साल वर्कशॉप में काम करता था। कितने साल? 2 साल। 2 साल? 2 साल पहले काम करता था वर्कशॉप पे, पर वहाँ पर इतना कहते सिखाते कोई नहीं थे। फिर मैंने बाबा ऑटोमोबाइल्स का वीडियो देखा तो वहाँ पर मेरे को पता लगा भी नहीं जो एडवांस टेक्नोलॉजी सीखना पड़ेगा, तो मैं फिर यहाँ पर आने का डिसाइड किया। तो स्टाफ बहुत अच्छा है, सभी है। और हमारे को कनाडा क्यों जाना चाहते चाहते थे? बस से वर्क सीख के में सर्विस देना, पर सर जी ने बताया भी नहीं यहाँ पर ही इंडिया में रह भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी। उनके साथ में एक और है, आप अपना नाम बता दो, कहाँ से आए? मेरा नाम रंजीत कुमार यादव है, मैं गोरखपुर जिले से आया हूँ। यहाँ आने से पहले क्या करते थे आप? कुछ भी नहीं सर, घर पे रहते थे, घर पे रहते थे। हमने यूट्यूब पे देखा वीडियो, सर से बात की, आ गए। अच्छा, जैसे यूट्यूब पे देखा सब कुछ वैसा है, कुछ अलग है? मतलब यूट्यूब पे अलग बिल्डिंग थी, यूट्यूब पे अलग फीचर थे, इंजन ज्यादा दिखा रहे थे, यहाँ एक भी नहीं है, सब कुछ सब सेम है। ओके जी, दोस्तों भाई क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजानन है। गजानन जी कहाँ से हो आप? कहाँ से? महाराष्ट्र से। यहाँ आने से पहले क्या करते थे आप? मैं स्कूल में था 12वीं तक। 12वीं तक? हाँ। कौन सी क्लास में हो? मैं 12वीं हो गई मेरी। अच्छा, 12वीं हो गई। एज क्या आपकी? मेरी 17। अब देखो, आप देख सकते हो अपने पास एक 17 साल की उम्र का भी है और उधर 45 वाली भी है, तो मतलब एज का तो वो नहीं है, मतलब ये आ सकते ये नहीं आ सकते, जिसकी इच्छा है वो आ सकता है। तो आप कहाँ से हैं? राजस्थान से। बताइए क्या करते थे इससे पहले? सर इससे पहले कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करते? जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। यस सर। तो ये मत बोलो कुछ नहीं करते, जो कुछ नहीं करते वही कमाल करते हैं आज के टाइम पे। विश्वास करते हो इस बात पे? किसी से कम नहीं समझना अपने आप को, किसी से ये नहीं करना ये बीटेक वाला है ये एमटेक वाला है, हाथ में क्या हुनर है वही राज है आज के टाइम पे। जितने बड़े आदमियों को देखोगे बट बिना जितना कम पढ़ा है वो उतना ऊपर गया। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई लिखाई मत करो, करो, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है वो अपने आप को नेगेटिव मत लो कि मैं तो पढ़ाई नहीं करी, 10वीं पास हूँ 12वीं पास मैं क्या करूंगा। आप सब कुछ कर सकते हो जो एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड कर सकता है। तो ये पहली बात तो ये यहाँ पर आके निकाल दिया करो कि मैं कुछ नहीं करता या फिर मेरा तो 10th है 12th पास है,
क्या एज है आपकी? 22 एज है। कौन सा ट्रेनिंग कर रहे हैं? कार का ट्रेनिंग कर रहे हैं। इतनी सारी भीड़ है, इतने सारे लोग हैं, इनको देख के क्या आपको अंदर से क्या फीलिंग आती है? एक तो है कि कहीं कहीं वर्कशॉप पे जाते हैं तो दो बंदे वहां पर और अकेले सीखने वाले, तो पांच लोग के डिमोटिव और करते हैं, अरे क्या करेगा, कैसे करेगा यार, बहुत परेशानी, ये परेशानी है। और यहाँ पर एक आपको इको सिस्टम मिलता है, जितने जहाँ भी आप देखेंगे सबके माइंड में क्या सोच के आया, अपना करना है, चाहे 2 महीने जॉब करो, 6 महीने जॉब करो, लेकिन उसके बाद करेंगे, लेकिन करेंगे। तो एक यहाँ पर एक आपको एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे मिलोगे मैं यहाँ से आया हूँ मुझे ये करना है, मैं यहाँ से आया हूँ मुझे ये करना है। तो एक इको सिस्टम मिलना बहुत जरूरी होता है आप लोगों को। ठीक है, चलिए कंटिन्यू कीजिए, मिलेंगे। सामने दिखाए थे कौन क्या कर रहे हैं, आइए। यहाँ पर ये वायरिंग की क्लास चल रही है, और जो इस गेट से अंदर आता है ना, ये गेट, जिसने ये गेट पार कर लिया ना, जो मेरे पास आ गया, उसकी लाइफ बन जाएगी। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये बाबू ऑटोमोबाइल नहीं है, ये आपकी लाइफ परिवर्तन करने का गेट है। ये दो आप देख लो, ये दो, जो इस गेट के अंदर आ गया उसका भविष्य मैं बदल दूंगा, ये मैं गारंटी लिखित में दे सकता हूँ, उसका भविष्य मैं बदल दूंगा जो इस गेट के अंदर आ गया। और जो इस गेट के बाहर है यूट्यूब की दुनिया में, उनका कुछ नहीं कर सकता। इस गेट से जो यहाँ आ गया ना, यहाँ उनकी लाइफ में चेंज कर दूंगा। बाबर आपने देखे बैच कितने भरे हुए बैच, और ये अभी मॉर्निंग टाइम है, देख लो अभी मॉर्निंग टाइम चल रहा है, ये सारे बैच आए हुए हैं। मैंने बताया आपको, चंदन है कोलकाता से है, दीपक है यूपी से है, दिलीप है गुजरात से आए हैं, अभिषेक है हैदराबाद से है, सूर्या है आंध्र प्रदेश से है, रंजीत है गोरखपुर से है, सरबली ने पंजाब से है, साकेब है सीकर से है, गजानन है महाराष्ट्र से है, सद्दाम है, हसन है, जवाद है, समद है, जो ECM के लिए लग रहे हैं। ये ओल्ड वाला बैच है, जो चार या पाँच लोग का बैच है, ये ओल्ड वाला बैच है जो ऑलरेडी लगा हुआ है। देखो कैसे कर दी, अब ये तो है यहाँ पर हम लोग, अभी हम लोगों ने देखा ऊपर चल रहा था हमारा ECM वाला बैच, नए जो ECM वाले चारों बंदे नए हैं उनसे मिलवा दिया, चार पांच लोग कार वाले थे उनसे मिलवा दिया जो अभी आए हैं, चार पांच लोग बाइक के थे, लगभग 20 स्टूडेंट नए आए हैं, 20 लोग का बैच तो अलग चल रहा है, ये पांच लोगों का ऑलरेडी ओल्ड वालों का अलग चल रहा है, पांच लोगों का 15 बच्चे वहां पर है, लगभग 40 बच्चों का बैच कब चल रहा है, मॉर्निंग में 40 स्टूडेंट कहाँ पर है, सिर्फ मॉर्निंग में, और बाकी इवनिंग वाले स्टूडेंट है वो अलग है। अब बाकी स्टूडेंट से मिलाता हूँ जिनका ऑलरेडी रनिंग पे चल रहा है, 80-90 स्टूडेंट है, वापस बोल रहा हूँ, जो इस गेट के अंदर जिसने एंट्री कर लेना उसकी लाइफ चेंज है, और जो इसके अंदर नहीं गया उसका कुछ नहीं कर सकता। आओ एक बार, ये हमारा ओल्ड बैच है जिन्होंने हमारी एसेंट कर ली पूरी और डिजायर कर ली, अब ये वायरिंग कर रहे हैं, देखो वायरिंग कर रहे हैं। ये देख सकते हो, देखिए वायरिंग कैसे कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है ऊपर से बता दिया आपको, मतलब पूरा एक एक पॉइंट वायर का पूरा इन्होंने, आप देख सकते हो पूरा डैशबोर्ड हटा रखा है, स्टीयरिंग, एसी, आपका जो म्यूजिक सिस्टम आता है सब कुछ हटा रखा है। फिर यहाँ से ये कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं वायरिंग की, कि कैसे कंटिन्यूटी जाती है, कि इधर से देख सकते हो वायरिंग और उधर तक जा रही है वायरिंग, तो उसकी कंटिन्यूटी अगर बीच में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है उसको फाइंड कैसे करें, उस चीज के लिए है। देख सकते हो कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, एक वायर इधर लगा रहे हैं ये, और इधर से जो वायर जा रहा है फिर वहाँ तक उसकी कंटिन्यूटी चेक करें, कि मतलब ECM में तार कौन सा जा रहा है, तो इंडिकेटर चल रहा है तो वो कैसे चल रहा है, मतलब अपन को वायरिंग की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। क्या आप देखो अपने कार चलाई कुछ पता नहीं लगता, पर आप अंदर से देखोगे ठीक है पूरी वायरिंग, ये देख सकते हो आप गाड़ी का डोर अंदर से ऐसे रहता है, ये देखो कंटिन्यूटी चेक हो रही है, बीप साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा,
लगा। देखो ये देख रहे हैं, ये पूरा हटा दिया इन्होंने डैशबोर्ड, ये स्टूडेंट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, एक स्टूडेंट ये है, और जो पूरा डैशबोर्ड का जो सामान था जो आगे आता है वो पूरा ये रखा हुआ है। ये देख सकते हो पूरा इधर एक बैच है, ये पूरा वायरिंग पे लगा हुआ है इसका भी। आपने पुराने वाले वीडियो देखा था उसमें इंजन का वर्क चल रहा था, कि अब इंजन का वर्क तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब वो स्टूडेंट्स पूरे आगे जाके वायरिंग पे जा चुके हैं। और एक बैच ये यहाँ लगा हुआ है, तो CO2 गैस बनती है, तो यहाँ से कैसे बाहर करवा रहे हैं अभी, ये बंद है CO2 गैस है जो इंजन है वो इसका देख सकते हो आप, ठीक है। जब EGR खुल गया तब एक इंजन ये रखा हुआ है, तो अब आप सोचिए इसको हम क्या बोलते हैं, EGR रीसर्कुलेशन, रीसर्कुलेशन सिस्टम, ठीक है सर। ये हमारा खुल गया, जब ये वाल्व खुल गया तो हमारी सारी गैसें कहाँ गई, इसके अंदर, ये इसके अंदर ये गैलरी बनी है सर। अभी इनको EGR एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो कार के अंदर EGR आता है अपनी कैसे बन सकता, कूलिंग के लिए, कूलिंग के लिए क्यों दी हमने यहाँ, क्योंकि इसका टेम्परेचर हमारा 700 डिग्री था, जो एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट जैसे एग्जॉस्ट गैस है उसका टेम्परेचर मेरा 700 डिग्री था, पहले ही मेरा जब चैम्बर का टेम्परेचर 2500 डिग्री पहुंच गया और ऊपर से ये टेम्परेचर पहुंच जा रहा, तो फिर तो इंजन को जल्दी ठंडा होने में कम देर लगी, मतलब कि ज्यादा देर लगी, ठीक है। तो यहाँ से कूलेंट आता है, जब इससे कूलेंट निकलता है तो इसका टेम्परेचर, दोबारा चलते अपन एक बैच वर्किंग बैच स्विफ्ट पे लग रहा है वायरिंग से, एक वर्किंग बैच डिजायर के इंजन पे लग रहा है, इवनिंग में जो बैच आएगा वो किस पे रहेगा, एसेंट के पेट्रोल इंजन पे, विराज बैठा हुआ है पेट्रोल वाले बैच में, 2 बजे वाला बैच मिल गया उसे। विराज क्या चल रहा है अभी तुम्हारा, 2 बजे वाला बैच है इसका, 2 दिन पहले सर अपने पूरा इंजन खोल लिया था एसेंट का, अभी बैक हो चुका है, तो आज हुआ ये जो एसेंट का इंजन है आप देख सकते हो, ये है एसेंट का इंजन, पूरा पैक हो गया, ये पूरा इंजन सर खोल समझ के पूरा पैक कर चुके हैं सर। क्या क्या किया था आपने इसमें, इसमें पूरा जो पैक कैसे करते हैं, ये क्रैंक में जो फिट करते हैं कैसे पैक करें क्रैंक, पूरे सेंसर जो है वो सेंसर के बारे में पूरा ये पढ़ाया है, सस्पेंशन हो चुका है इसका, ब्रेक हो चुका है, अभी 2 दिन में ये पूरा होने के बाद वायरिंग होगी, वायरिंग के बाद ये पैक कर दिया जाएगा। ओके ओके, देखो पता लगा कि मैं तो पूरा डिटेल में, एक बैच ये लग रहा है, एक बैच के स्टूडेंट ये, एक बैच ये, 3 बैच यहाँ लगे हुए, तो मेरे भाइयों कुछ सीखना है, 40 बच्चों से मिलवा दिया है, 20 स्टूडेंट नए आए हुए हैं, 20 स्टूडेंट से मिलवा दिया है, वीडियो बनाता हूँ, 2 या 3 लोग को मैं बिठा के नहीं बनाता, 2-3 लोग कहाँ से आए हैं, बैठो भाई 3-4 लोग कौन कहाँ से आया है, प्रैक्टिकल कर रहे हैं उन पर दिखाया है मैंने, क्लासरूम में नहीं बिठाया कि भाई एसी चालू कर दिया क्लासरूम में, आप कहाँ से, आप कहाँ से, जो जहाँ से आया है दिखा दिया, 20 बच्चे आए हैं मई में, अभी तो मई बाकी है, अभी तो पिक्चर स्टार्ट हुई है मई की, अभी 30 बच्चे और आने वाले हैं मई में, 30 स्टूडेंट, और जून में 100 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है जो बीटेक वाले, कुछ करते हैं करवाते हैं। आप मेरा कोई भी वीडियो उठा कर देख लो, 8 साल के रिकॉर्ड में 2015 में वीडियो बनाया था मट्टी में, यस बिल्डिंग नहीं थी जब, मट्टी में वीडियो बनाता था, ट्रेनिंग देता था, 8 साल से लेकर आज तक एक भी वीडियो में, किसी वीडियो में आप 20 बच्चों से कम दिखा देना, मेरे पास रहते थे कभी 30 हैं, किसी में 40 हैं, किसी में 50 हैं, किसी में 100 बच्चे, कोई भी वीडियो आपको ऐसे नहीं मिलेगा कि 2 या 3 के बता रहा हूँ, 20 बच्चे यहाँ पर हैं, 20 बच्चे वहाँ पर हैं, 40 बच्चे मॉर्निंग टाइम पे, ECM का अलग बैच चल रहा है, कार का अलग बैच चल रहा है, बाइक का अलग बैच चल रहा है, वर्किंग बाइक का अलग चल रहा है, वर्किंग कार का भी तो नीचे नहीं दिखाया मैंने आपको, भूल गए, वीडियो लंबा हो जाएगा, नीचे जो बेसमेंट है वहाँ वर्किंग बाइक का चल रहा है साजिश तरीके से, वो भी आप देख लेना बाद में, अच्छा लगे ज्वाइन करो, नहीं अच्छा लगे और कहीं ज्वाइन करो, लेकिन घर में पड़े रह के कुछ मत करो, स्टार्ट करो अगर कुछ करना है लाइफ में तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मैं था निमेश बाबा, बाबू ऑटोमोबाइल जयपुर ब्रांच से, कॉल करें, व्हाट्सअप करें, नहीं उठाता तो एक दिन बात करें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।